लेकिन मैं आपसे उर्दू में बात करूंगा क्योंकि जनरल बाजवा को इमरान खान की उर्दू बोलने पर बहुत नफरत थी। ना सिर्फ जनरल बाजवा को बल्कि उनकी जो बेगम है वो हमारी बहन है, हमारी बाजी है, जनरल बाजवा साहब की हम हर एक की औरतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जो हमारी बाजी है बहन है उन्हें भी इमरान खान साहब के शलवार कमीज बाहर पहनने पे और उर्दू बोलने से बहुत चिढ़ थी। मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मुझे लीगली आपके सामने डिस्क्लेमर देना है कि मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ इमरान खान के एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हूँ। ये अमेरिका के कानून की रिक्वायरमेंट है। बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं एजेंट हूँ और इमरान खान का एजेंट हूँ अमेरिका के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जब जियो टीवी ये खबर देता है तो वो मुझे अमरीकी एजेंट कहता है। सबसे पहले ये अच्छा जी मैं आता हूँ। हमारी इस टाइम प्रॉब्लम क्या? मेरी स्पीच 3 हिस्सों पर होगी। हमारा जो प्रॉब्लम है वो 3 C's पर है। सबसे पहले कंफ्यूजन है, उसके बाद कन्विक्शन का लैक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस है। ये 3 C's जो हैं इसने पिछले 800 साल की तारीख बड़े जरिए की लिखी है और जिसको आज हम भुगत रहे हैं। कन्फ्यूजन क्या है हमारे यहाँ उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन आपको जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है उसमें आप सोचते हैं कि ये लोग बस क्यों नहीं करते, इनके पेट क्यों नहीं भरते, ये करप्शन करने से बाज क्यों नहीं आते। आप कोई भी बुरा काम अच्छा काम करने से 3 वजूहात से रुकते हैं। पहली, आपको अपने रब का डर होता है, जो भी आपका मजहब हो आप सोचते हैं डे ऑफ जजमेंट आपको सामने खड़े होकर जवाब देना है। दूसरी वजह, आपको लॉ ऑफ द लैंड का डर होता है, तो जिसने बुरा काम करने का सोच लिया रब का डर तो उसने साइड पर रख दिया। लॉ ऑफ लैंड पाकिस्तान का जो है वो करप्शन को कभी भी गलत नहीं समझता। कौन नहीं समझता लॉ ऑफ द लैंड आज है कौन, वो आप सबको पता है। अगर आपको कुछ गलत फहमी थी पंजाबी कहने ने लिखा सी तो वो पूरा हो गया। सो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो करप्शन को बुरा नहीं समझता। तो फिर एक ही चीज रह जाती है इन दोनों चीजों के माइनस होने के बाद, और वो चीज रह जाती है आपके लिए सोशल एम्बैरेसमेंट, कि सोसाइटी बुरा समझे उस चीज को। हमारी सोसाइटी बहुत अजीब है, हर अच्छा काम करने को बुरा समझती है, हर बुरा काम करने की इजाजत है, हर अच्छा काम करने की इजाजत नहीं है। आपने अभी कभी अपने अम्मा अब्बा को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चूमते देखा? उसकी इजाजत नहीं है हमारे कल्चर। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात मैं आपसे कर रहा हूं। आप कोई भी लव एक्सप्रेशन हमारी सोसाइटी में नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी बेगम के साथ सरेआम जहां दिल करे लड़ाई डाल सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, हड्डा कर सकते हैं। सो वो एक्सेप्टेबल है, दैट इज एक्सेप्टेबल नॉर्म। लेकिन आप अपनी बेगम के गाल को टच नहीं कर सकते, सबके सामने मुसीबत हो जाएगी। सो इट्स अ कंफ्यूजन, द सोसाइटी इज इन कंफ्यूजन। वो भले रिलीजियस लेवल पे है, वो भले सोशल लेवल पे है। फिर एक सर्टन टाइप की पर्सनैलिटीज है। आप सब जो पढ़ी लिखी क्लास थी उनकी कंफ्यूजन क्रिएट की बड़े घर में कि सियासत बुरी चीज है, गंदे लोगों का काम है, रहने दीजिए, ये राणा सनाउल्ला को करने दीजिए। आपकी बड़ी बड़ी मूर्तियां होनी चाहिए, आपकी बेगम भी रात को सोए हुए उठ के आपको देखे तो उसका त्राण निकल जाए। आपकी इस तरह की शक्ल हो तो आपको सियासत करनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ इंसानों का खौफ है, फिक्र है, तो सियासत आपका काम नहीं। इस वजह से आप, मैं, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्लास, पाकिस्तान की औरतें, हमने पिछले 50-60 साल से फातिमा जिना के जाने से जो उनके साथ किया गया और किसने किया वो भी